एकदम कंफर्ट है यहाँ पे। जो चढ़ने वाली पैदान होती है वहाँ पर चढ़कर छिपे रहते हैं, और जब आप मोबाइल चलाते हो तो ऐसे आपकी मोबाइल खींची जा सकती है। तो आप हमेशा इसके अपोजिट साइड बैठो, क्योंकि उसे छीनने में पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, तब भी वो आपकी फ़ोन नहीं छीन सकता है। तो आप लोग इस साइड मत बैठो। एक और अच्छी बात, यहाँ पे बैठोगे तो यार फिंगर अपनी मत रखना इस पर, या फिर हेड को भी मत रखना, नहीं तो ज़ोरदार टक्कर यहाँ पे आप लोगों को लग सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी आपका भाई ट्रैवल कर रहा है दरभंगा पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल, और इस ट्रेन का जो टाइमिंग है दोस्तों बहुत ही डिले, अभी ट्रेन चल रही है। अभी आपका भाई मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेन की जर्नी कर रहा है। अभी हमारी ट्रेन रुकी है रामदयालु स्टेशन, और ये जो ट्रेन अपनी चलती है दरभंगा से पाटलिपुत्रा के बीच में, और इसका कॉस्ट जो होता है 45 रुपया, जो दरभंगा से लेकर के पाटलिपुत्रा के बीच चलती है। अभी हम मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, इसका कॉस्ट पड़ता है 15 रुपया। और यहाँ पे है यात्री लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी इस ट्रेन में। आप लोग अगर आओगे इस ट्रेन में तो क्या क्या सुविधा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसका बाथरूम हम दिखा दें आप लोगों को। यहाँ पे आप आओगे तो कोचेज का जो पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पानी 24 आवर यहाँ पर आपको मिलेगी। और शौचालय की जो व्यवस्था है, शौचालय देख पा रहे हो यहाँ पे, नीट एंड क्लीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो चार्जिंग पॉट यहाँ पर नहीं दी गई है, इस ट्रेन में चार्जिंग पॉट दोस्तों नहीं दी गई है। और यहाँ पे बहुत सारे यात्री सब अभी चढ़े हैं इस ट्रेन में, अरे साइकिल ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत भी होता है ना? हम तो पहला बार लेके जा रहे हैं, टिकट भी इसका लगता है। अच्छा, यहीं से कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से? ना, यहीं की, तो ये लोकल है। और ऐसे इस ट्रेन में साइकिल लाना वर्जित नहीं है, मगर बहुत सारे लोग इसमें ले आए हैं साइकिल, क्योंकि वह लोकल है। अभी हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि अभी अपनी ट्रेन है, और क्वालिटी आप लोगों को बहुत बेकार देखने को मिल रही होगी दोस्तों। तो अभी ट्रेन यहाँ पर कितनी देर यहाँ पर रुक रही है, तीन मिनट की स्टॉप है यहाँ पे रामदयालु स्टेशन पे। बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको इस ट्रेन में टोटल हाजीपुर तक की जर्नी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा। हम पर विश्वास है। सबसे बड़ी इसमें दिक्कत यही है पैसेंजर ट्रेन में कि गाड़ी राइट टाइम खुलती है, लेकिन इसको बीच में सब स्टेशन पर रुक के सभी एक्सप्रेस ट्रेन को पास करती है। दिक्कत यही होता है कि ड्यूटी करने वाले आदमी को बहुत प्रॉब्लम होता है। कहाँ तक जाइएगा? पाटलिपुत्र। और ट्रेन का जो स्पीड है कैसा है? स्पीड तो सही है, डिले भी है अपनी ट्रेन के। हाँ, बिल्कुल। कितना देर? 1 घंटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। पहली बार यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में कि बार बार करते हैं? नहीं, बार बार तो नहीं, लेकिन 3-4 बार किए हैं। तो आप लोग अगर इस ट्रेन में यात्रा करते हो, मुझे तो प्रॉब्लम का समाधान मिल गया कि क्या प्रॉब्लम होती है इस ट्रेन में। आप लोग ट्रेन में जर्नी करते हो मेरे साथ शेयर करो। अपनी ट्रेन अब घोसवर स्टेशन पहुंच गई, यहाँ पे देख पा रहे हो घोसवर स्टेशन पहुंच गई अपनी ट्रेन। और आपका भाई पाटलिपुत्र तक यात्रा नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि जैसा स्थिति है अभी ट्रेन की, तो अभी हम हाजीपुर उतर जाएंगे, और हाजीपुर से फिर जाएंगे, यहाँ से दूसरा बस या टेम्पो को पकड़ेंगे और पाटलिपुत्र पहुँचेंगे। तो अभी घोसवर स्टेशन अपनी आ गई। घोसवर स्टेशन मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि कैसा है अपना घोसवर स्टेशन। कहाँ पर सर? अभी सर
यहाँ घोसवर स्टेशन की जो बात करें तो यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और यहाँ पे जो अभी स्टेशन है बहुत नीच है स्टेशन, यानी ट्रेन से बहुत फीट नीच है अपनी स्टेशन। और यहाँ पे देख पा रहे हो डिले है काफ़ी। घोसवर स्टेशन बिल्कुल अमेजिंग है, आप लोग आओगे यहाँ पे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा यहाँ पे लग जाएगा। ऐसे तो भाई ठंड भी लग रही है यार बहुत, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आपका भाई दो तीन स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि आपका भाई जानता था कि यार ट्रेन में यात्रा करेंगे तो यार ठंड तो लग सकती है, तो इसे समाधान पाने के लिए मैं कुछ कपड़े पहन। तो भाई लोग अभी इस ट्रेन में हमारे एक भैया ट्रेवल कर रहे हैं। भैया हाय कर दो हमारे व्यूअर। हाँ, कहाँ से यात्रा कर रहे हो आप? सीतामढ़ी से कहाँ तक जाओगे आप? पाटलिपुत्र। और इस ट्रेन का जो स्पीड है कैसा लगा इस ट्रेन में यात्रा करके? यात्रा तो अच्छा लगा है, लेकिन स्लो बहुत चलता है। अब प्रतिदिन ये स्लो ही चलता है? प्रतिदिन जहाँ तक मेरा अनुभव है देखते हैं प्रतिदिन स्लो ही चलता है। स्लो तो भाई लोग एक कंप्लेन हमें देखने को मिली, क्योंकि रक्सौल से आने वाली ट्रेन में ऐसा नहीं होता, मगर दरभंगा से आने वाली ट्रेन पाटलिपुत्र जाती है तो एक कंप्लेन आ जाती है। मुझे भी ये अनुभव काफ़ी बेकार लगा, ट्रेन का टाइमिंग मुझे भी ख़राब लगा। और यहाँ पे सीट का कैसा व्यवस्था था? सीट जो है बहुत मेमू ट्रेन में हमने देखा है कि यार बंदे लोग सीट का कवर ही उखाड़ कर ले जाते हैं। चार्जिंग पॉट देखने को मिला कि नहीं मिला? नहीं, देखने को मिला है चार्जिंग पॉट, मगर उसमें चार्जिंग की व्यवस्था नहीं था। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। और भाई लोग अपनी यह ट्रेन की जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। यह ट्रेन जाएगी पाटलिपुत्र, काफ़ी डिले है, मुझे टाइम पर पहुँचना है, तो अभी आपका भाई हाजीपुर तक ही जर्नी यहाँ तक किया। और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे यार ट्रेन पसंद ही नहीं है यार, बहुत लेट है। अरे बहनचोद पागल है, सुन लिया एक बारी में यार। क्लीननेस मुझे देखने को मिली बहुत अच्छी है, मगर टाइमिंग पकड़ ही नहीं पाया। व्यवस्था टोटल अच्छी है। आप लोग अगर आते हो इस ट्रेन में तो फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मेंशन करो, डीएम करो। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अच्छी वीडियो में। जय हिंद जय भारत।